गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो आज हम क्रिसमस ब्रेड बनाएंगे। ठीक है, 2 मिनट्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ग्रीन कलर स्ट्रिप का यूज करना है अभी तो फिलहाल। आपको आपका क्विलिंग टूल लेना है जिससे हम सर्कल शेप बनाते हैं। हमारे पास 3 है, बताती हूँ आपको। से बनाएंगे शेप। आप इसको की चेन में कन्वर्ट करके क्रिसमस का एक छोटू सा गिफ्ट बना सकते हो, पेंडेंट बना सकते हो, इयर रिंग्स बना सकते हो स्मॉल ब्रेड से। एक ही ब्रेड से इसी आइडिया से आप बड़ा ब्रेड भी बना सकते हो। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना होगा। ये बहुत परफेक्ट शेप आता है, देखिए परफेक्ट बनाया। अगर आप हाथ से राउंड करते शायद थोड़ा बहुत शेप चेंज हो जाता, खराब हो सकता था, ऐसा बन भी सकता था, बट इतना फाइन नहीं बनता, शेप आ जाता है। अब इसी के आउटसाइड हम डिजाइंस बनाएंगे। एक और था हमारे पास इससे भी छोटे छोटे सर्कल्स बनाने के लिए ही। बहुत सारे सर्कल्स आप बना सकते हो, स्मॉल से बड़ा उससे बड़ा, बहुत सारे शेप्स समझ लीजिए, 2 सेंटीमीटर से लेके आप 2 से 5 तक तो बना ही सकते हो और उससे छोटे भी। अभी हमें स्पाइरल बनानी है, थोड़ी 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 कॉइल बनानी है। लूज कॉइल बनाएंगे एंड देन टीयर ड्रॉप बनाएंगे। तो हमने नीडल में चिप्स को लगाना है और स्लोली रोल करना है। बस हम हाफ स्ट्रिप का भी यूज करते हैं। ये ड्रॉप एंड हम बैंड फिंगर की हेल्प से, और ये देखिए हमारा टीयर ड्रॉप शेप रेडी। इस तरह से और बनाएंगे। पहले हम इसको हाफ कर लेंगे, हाफ से कट करना है, देन रोल करेंगे। बढ़िया, येलो कलर का भी यूज करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा। हमारा ग्रीन कलर हो गया, येलो का भी यूज करेंगे। देख लेते हैं और क्या चाहिए। ओके, सो हमें इतना ही येलो भी बनाना है। हाँ, तो हम जल्दी जल्दी स्पाइरल बनाएंगे। और बनाने से पहले हम इसको पेस्ट कर देंगे थोड़ा बहुत, इतना भी हमारे पास हुआ है कंप्लीट, अपना पेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बस में पकड़े रहना है। स्टिक होने के बाद हम इसको छोड़ते हैं।
हमारा यहाँ पे येलो कलर खत्म होता है, हम और थोड़े से स्पाइरल बनाएंगे एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। बस 3 और बनाने हैं हमको, उसके बाद अगर नीड होगी और बनाने पड़ेंगे 2-3। अब आपको इसमें कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट सेशन में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। डाउट हो कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, कैसा लगा इसका रिव्यू भी।